पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ से आतंकवादियों को बंदूक दे दिया और जहाज को कब्जा कर लिया, उसको अमृतसर उतारा गया। इंडिया ने वहाँ गलती की, अजीत डोभाल भी थे उस समय, बाकी वो आतंकवादी अभी भी जिंदा है। सर पैसेंजर को कैसे लाया गया? ये है काठमांडू एयरपोर्ट। अमूमन आप जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बहुत हाई सिक्योरिटी चेक होता है, आपकी हर एक सामान को चेक किया जाता है, इवन बेल्ट वेल्ट भी उतार के चेक किया जाता है। बेल्ट अगर पहने तो आपको बेल्ट उतार के रखना पड़ेगा एक्सरे मशीन में चेक करने के लिए। अब वो एक्सरे बहुत हाई पावर का रहता है, उसमें आदमी लेट के जाएगा तो नुकसान कर देगा, वो हाई पावर का एक्सरे रहता। लेकिन अगर आप कभी भी ट्रांजिट फ्लाइट पकड़ते हैं तो चेकिंग पहले नहीं होता था। जैसे कोई पाकिस्तान से आया त्रिभुवन एयरपोर्ट और उसके बाद यहीं से कोई दूसरी जहाज पकड़ लिया तो उसकी चेकिंग पहले नहीं होती थी, अब होता है। समझ में आ गया? अब इंटरनेशनल फ्लाइट में ले ओवर होगा ना तो चेकिंग होगा दोबारा भी। तो पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ से आतंकवादियों को ग्रेनेड बम ग्रेनेड दे दिया और कुछ बंदूक दे दिया, और यहाँ से ये आतंकवादी कहाँ चले गए, त्रिभुवन एयरपोर्ट। और यहाँ से एक विमान आ रहा था एयर इंडिया का IC-814 एयर इंडिया के जहाज था। ये लोग छुट्टियां मनाने गए थे 1999 की अंतिम साल का, क्योंकि इसके बाद 21वीं सदी हो जाएगी। ऐसे तो आप 31 दिसंबर को कहते हैं ना नया साल आने वाला है, 1999 में तो नई सदी आने वाली थी। लोग बड़ी खुश थे और गए थे कहाँ, नेपाल पहाड़ी एरिया है, किसी को घूमने उमने के लिए कहीं जाना होता है। वहां से जब ये जहाज आ रहा था, जब ये जहाज हवा में उड़ान भरा, जैसे वो नेपाल बॉर्डर छोड़ा इंडिया में आया क्रूज करने लगा, कुछ लोग उठे और जहाज को कब्जा कर लिए, 5-7 को था कब्जा कर लिए विमान दुर्ग। हाँ, दोनों के बीच में समझौता हो गया, दोनों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुई, उसने कहा कि आप भी युद्ध नहीं करेंगे हम भी युद्ध नहीं करेंगे, तो क्यूबा संकट टल गया। फिदेल कास्त्रो की ही सरकार गिर गई थी वहां के राष्ट्रपति। अब समझिए, जब ऊपर विमान कब्जा हो गया तो उसने कहा कि विमान को अब तुम चुपचाप लेके चलो लाहौर। कहाँ लेके चलो? लाहौर ले जाके नहीं कहा, कहा कि सीधे लेके चलो काबुल। कहाँ ले चलो? कहा कि अरे भाई तुम कहाँ का आतंकवादी है, इतना फ्यूल थोड़े भरा जाता है, सब जहाज की अलग अलग फ्यूल होती है, ट्रिप फ्यूल होती है, कंटेंजेंसी फ्यूल होती है, अल्टरनेटिव फ्यूल होता है, टैक्सी फ्यूल होता है, कई टाइप, मतलब फ्यूल एक ही रहता है लेकिन भरा जाता है अलग अलग। कैसे हिसाब दिया जाता आपके घर वाले, हाई लॉज का पैसा, हाई खाना का पैसा, हाई फीस का पैसा, हाई इन्हें उन्हें चक्कर पकड़ करने का नहीं मिलता, अच्छा उसी में से चला लेता है। आगे समझिए, जहाज का नाम क्या था, IC-814। जहाज का नाम, जहाज हाईजेक हो गया, जहाज का पायलट ने कहा कि नहीं जा सकता है उतना दूर, क्योंकि जहाज में जो मेन फ्यूल होता है वो ट्रिप फ्यूल होता है। जहाज टेक ऑफ करने के लैंडिंग के बीच में जितने फ्यूल की जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं, ट्रिप फ्यूल। इसके अलावा उसमें अन्य फ्यूल भी भरा जाता है, टैक्सी फ्यूल, जहाज जब रनवे पे दौड़ता है वो होता है, उसमें भी फ्यूल लगते हैं, उसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल भर देता है। इसके अलावा उसमें कंटेंजेंसी फ्यूल भी रहता है कि कभी कभी वेदर वगैरह खराब रहता है तो उसमें फ्यूल ज्यादा लगता है, अगवे से आंधी उठ जाएगा तो सोचा फ्यूल वह ज्यादा लगेगा, स्पीड कम हो जाएगी, बारिश होगा तो उसको। उसके अलावा अल्टरनेटिव फ्यूल भी दिया जाता है, कभी कभी रनवे उतरने, अभी पटना एयरपोर्ट पे जहाज उतरने आया तो सुबह 8 बजे उतरने ही नहीं दिया, उसको भेज दिया उदयपुर भेजा था, कहीं कहीं भेज देता है, जहां मौसम खराब रहेगा ना तो कहीं भेज देता है, जा यहां से उतरेगा कहां से, दिखवे नहीं करता है ना रनवे। कोहरा में सबसे ज्यादा दिक्कत आता है सुबह 12 बजे तक, क्योंकि उसके बाद धूप दिन में, रात में उतना दिक्कत नहीं होता क्योंकि लाइटवा दिखने लगता है, सुबह का दिख ही नहीं रहता वहां पे, तो लेट हो जाती है वहां पे। तो अलग टाइप का फ्यूल कई रखा जाता है। तो इस फ्यूल, इसमें फ्यूल दिल्ली तक के लिए था, इसको जहाज वाले ने हाईजेक करके कहा कि चलो चलो लेके उतरो, तो पायलट ने कहा कि देख भाई फ्यूल नहीं है, नहीं जा पाएगा काबुल तक। कहा कि नहीं कैसे जाएगा, चल तुम आगे, यहाँ पे बंदूक रख दिया, सब नहीं मान रहे थे तो एक दूसर का पायलट वहां पकड़ के पड़ाक पड़ाक मारा सब 10 लाख, बेचारा डर गया वहां पायलट, उसको ले गया, उसके बाद दिखाया कि देखिए फ्यूल खत्म है, पढ़ लो यहाँ फ्यूल क्या है, खत्म है, तो उसको अमृतसर उतारा गया। कहाँ उतारा गया, कहा फ्यूल भरवाओ। इंडिया ने वहां गलती किया था, फ्यूल भरा, एक घंटा तक इंतजार किया कि कमांडो आएंगे, अरे यार क्या कमांडो आते हैं, फ्यूल जब भरता है तो नीचे लगेज कंपार्टमेंट होता है, वहां से को बेहोशी का गैस ले आके भर देता, सब जाना बेहोश हो जाता ना, आतंकवादी वगैरह सब उठा के लेते चलता वहां पर, चलो भाई फ्यूल भरा गया तो कमांडो का इंतजार कर रहा,
अरे हर चीज कमांडो ही करेंगे, दिमाग भी तो लगाइए। नीचे होता है कंपार्टमेंट, किस चीज का लगेज, समनवा नीचे रखता है यहाँ पे, लगेज कंपार्टमेंट में एक को चढ़ा देता। वैसे भी लगेज में जब सामान रखा जाता है ना जहाज में, तो एक आदमी अंदर चढ़ता है समनवा को सजा सजा के रखने के लिए, ऐसे उसी में ऊपर एक होता है जगह डाल दे, उसमें से पूरा दरदरा के एकदम फायर ब्रिगेड वाला एक दो सिलेंडर वाला लेके मार दे उसी में, जा हवा भर जाएगा उसमें, पता नहीं चलेगा क्या हो गया क्या हो गया। उधर एटीसी बोलेगा शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट, आग लगा है, ये हुआ है वो हुआ, मार दे वहां पे। तो छोड़ दिया, और जहाज फ्यूल भर के क्या हो गया, फ्यूल भरा ही नहीं गया यहाँ पर। फ्यूल भरने से पहले एक घंटा तक इंतजार करा दिया, उन लोगों को लग रहा था फ्यूल भर देंगे तो भाग जाएगा, फ्यूले मत भरो। वो परेशान थे सब आतंकवादी से, ये तोरा एक घंटा फ्यूल भरने में लगता है, चल उड़ा। कहा कि कैसे उड़ाएंगे, मारा का उड़ाओ जल्दी उड़ाओ, नहीं उड़ाएगा। एगो पैसेंजर को पकड़ के लाया सब अंदर वहां, एक चाकू मारा सब यहाँ छाती में, पूरा खून गिरने लगा, चल उड़ा। पायलट मजबूरी में उड़ाया, टुकुर टुकुर देखते रह गए लोग, उड़ गया। अरे एगो गोली मार देते टायर पे, नहीं उड़ सकता था, तुम्हारे देश में जहाज रहता कुछ भी कर लेते, समझा, तो जहाज में फ्यूल नहीं भरेंगे। अच्छा एटीसी क्या था, एटीसी कह रहा, अरे वो कह रहा था पायलट हमारे पास फ्यूल नहीं है, तो हमको लगा नहीं होगा उसके पास। अरे लोल कई कहो के खोपड़िया पे बंदूक रखल है, आ तुम बैठल एसी में, अजीब अजीब टाइप का था सब वहां पे। सिंपल था, एक बंदूक गली मारे टायर पे उड़बे नहीं करेगा, फट जाएगा टायर, यहाँ पंचर साइकिल नहीं चलती, वो तो जहाज है कहां से उड़ जाता वहां पर। ले आके फ्यूल के जगह पे भर देता वहां पे, एक फ्यूल भरते रहता, फ्यूल भरने में भी चार आदमी चाहिए होता, एक ट्रकवा ले आएगा, एक तो चढ़ाएगा, एक तो भर दो वहां पे, उसको क्या दिख रहा है वहां पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कर रहा पानी भर देता और नहीं उड़ पाता सही बोलता है, उड़ गया वहां पे बिना तेले भर ले, कहां उड़ गया यहां से। अब पायलट हाथ जोड़ रहा है, मां अमृतसर से आगे नहीं जा पाएंगे, हाथ जोड़ते हैं मर जाएंगे, नहीं जा पाएगा नहीं जा पाएगा। लाहौर से पूछा गया, एटीसी लाहौर लैंड करने की परमिशन दिया, क्लियर टू लैंड, क्लियर टू लैंड, वी हैव नो फ्यूल। लाहौर वाला करा जा, कुल कांड हमरे रचल है, हमरे लगे उतर जाएगा तो हम पहुंच जाएंगे। कहा ना 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 नहीं उतरने देंगे, नहीं उतरने। और कहा लाहौर से आगे जाइए नहीं पाएगा, हम इमरजेंसी फ्यूल पे उड़ रहे हैं। उसके पास केवल 10 मिनट का फ्यूल बचा था, उतार दिया वो। बाद में देखा, अरे भैया ये तो सड़क है, रात का समय था, उतार दिया लाहौर पे, बाद में देखा कि सड़क है, वापस लेके उड़ा। तब आतंकवादी को भी समझ में आया कि सही बोल रहा है पायलट, वापस तब एटीसी लाहौर वाले ने उतारा और लाहौर वाला फ्यूल भरा, कहा भाग यहां से जल्दी भाग, तुमको जहां जाना है। तो कहा काबुल चलो, तो काबुल एटीसी कर आएंगे, रात में हम ना उड़ा उतार पाएंगे, हमारे यहाँ लाइट नहीं है ऐसा ऐसा तो देश समझा गया। इस जहाज को कहां ले गया, दुबई, कहां ले गया दुबई। अब भारत सरकार दुबई से करिए, हमें कमांडो ऑपरेशन की अनुमति दी जाए, अरे कमांडो ऑपरेशन की अनुमति दी जाएगी, जब अमृतसर में था तो कौन सी कर रहे थे, अजीत डोभाल थे वहां पे नेगोशिएशन में, अजीत डोभाल भी थे उस समय। उस समय देखिए सबसे गलती होती है, दुनिया में कोई नहीं जो गलती नहीं, आपके पास इतना बढ़िया मौका था, कहाँ जब आपके यहाँ था तो छुड़वा दिए, वो एटीसी के भरोसे पगला, करा फ्यूल है ये नहीं तो उड़ेगा कैसे। अरे लोल कहीं क्या, काठमांडू से पूछ लिया रहता कि कितना फ्यूल भरा गया इसमें, वो बता देता कि कितना फ्यूल भरा गया, कितना खर्चा हुआ होगा, अपने से अंदाजा लगा लिया फ्यूल नहीं होगा, समझ में गया। दुबई कहा कि ना ना हम अपने जमीन पे कमांडो वमांडो ऑपरेशन होने नहीं देंगे, पता चला आप चार को गोली चलाए, वो चार को चलाए, हमारे एयरपोर्ट भड़क गया, जहाजे नहीं आएगी एक हफ्ता तक, आपको जहाँ करना करना है, यहाँ आपको बस रहने का अनुमति देंगे। रात भर वहां रहा सब, खाना पीना खाया सब, उड़ा के फिर लेके कहाँ गया सर, काबुल, कहाँ लेके चला गया काम। काबुल आने के बाद 5 दिन तक जहाज को रखा गया वहां पर, नेगोशिएशन चल रहा था, वो कह रहा था सब कि हमारे आतंकवादियों को छोड़ा जाए। उसमें सबसे खूंखार आतंकवादी था मौलाना मसूद अजहर, आज भी जिंदा है। इसमें पकड़ा गया जो मास्टरमाइंड था अब्दुल मोमिन, नाम क्या था, अब्दुल मोमिन, समझ आ गया कि नहीं। उसी का नाम हम एक बार लिए थे कि अब्दुल ने ही इस जहाज को क्या किया था, कब्जा, अब्दुल उसका नाम ही था, अब्दुल मोमिन नाम ही था। आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़िएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है अब्दुल। अब अगर किसी को यह बात नहीं पता है और तब कहता है तो समझ में आता है कि चलो उसको नहीं पता, लेकिन अगर ये बात पता होने के बावजूद अगर कोई कह रहा है कि खान सर उस आतंकवादी को क्यों बोले थे, तो विडंबना ही है। IC-814 हाईजेक को छोड़ाने के लिए हम लोग ने क्या किया, आतंकवादियों को रिहा किया। यहां दूसरी गलती हुई हम लोग, आतंकवादियों को कुछ ना कुछ इंजेक्शन लगा देना चाहिए,
एचआईवी को टेटनस लगा दो ना, टेटनस लगा दो, फाइलेरिया का लगा दो ना, 6 महीना बाद आतंकवादी। ऐसे छोड़ दिया था उसको, समझ आ गया नहीं, ऐसे ही पकड़ा जाएगा। फाइलेरिया का लगा दो, यहाँ पर छोड़ दिया, समझ जाओ आराम से, समझ आ गया कि नहीं। यहाँ हम लोग ने क्या गलती किया, दूसरा गलती, भारत सरकार को जब हम किसी को छोड़े ना तो फिर उसको बढ़िया से छोड़े एकदम, यहाँ पे आराम से, पता नहीं चलेगा उसको ना, किसी को कोई दिक्कत, सजा हो गई थी अभी। अब बाकी वो आतंकवादी अभी भी जिंदा है सब, ठीक है, कहाँ पे है सब, पाकिस्तान में, किसी को कोई दिक्कत, भारत सरकार के मंत्री, भारत, आप लोग देखिए हमारे देश में गलती क्या होता है, बिना किसी योग्य व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है, उसके बाद सोचा जाता है अच्छा काम करो, समझ में आ गया कि नहीं। आप देखिए ये आपके विदेश मंत्री जयशंकर साहब, वो आईएएस आईएएस यूपीएससी के एग्जाम दिए, राजदूत रहे, भारत का हर जगह प्रतिनिधि करें, उसके बाद वो बने, आज कोई समझाना है उनको नहीं, पूरा अकेले विदेश मंत्रालय आराम से समझा देते हैं। और अगर वही किसी अकलेल बकलेल को विदेश मंत्री बनाते तो स्पीच लिख के पड़ता, वी इंडिया टेक अ न्यूट्रल स्टैंड, अगवा कौन चीज था रे, ऑन द यूक्रेन क्राइसिस, इंडिया हैज इट्स ओन इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई वी आर परचेजिंग द कौन चीज, फ्यूल है कि ऑयल है, फ्यूल, ऐसे पड़ेगा, रद्द हो जाएगा यहाँ पे। तो योग्य व्यक्ति को बैठा दीजिए, आपको कहना नहीं पड़ेगा, काम करिए। IC-81 सर पैसेंजर को कैसे लाया गया, वापस जहाज से ला दिया गया, उसमें आतंकवादियों को छोड़ा गया, पैसेंजर को लाया गया, एक आदमी की हत्या हुई, रिपन कतियाल, रिपन कतियाल की नई शादी थी, हनीमून के लिए गया था सर नेपाल, और उसके पत्नी बगल में बैठी थी, और उसके सामने गोली मारा था सर, या पत्नी बगल में थी, और उसके सामने ना चाकू मारा था सही से, और जब चाकू लग गया था ना तो चकुया छोड़ के ले आया था पायलट को दिखाने, देख उड़ाता है कि नहीं, उसके बाद उसकी पत्नी के सामने, सोचिए किसी का, उसकी शादी के ना मेहंदी का रंग नहीं उतरा था, उड़ गया वहां पे। और उसके बाद भी अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान से इज्जत से बात करो, हमसे तो ना होगा, आगे बढ़े, हमको तो लोग बड़ा बड़ा हमेशा कुछ ना कुछ अगवा के नसीहत चिपका देता। एक आदमी हमको आके ज्ञान दे रहे थे, हम कह सुनिए ना, आपके हम हर चीज को एक्सेप्ट करेंगे, पहले आप बताइए कि आपने ऐसा क्या किया अपनी जिंदगी में कि हम आपकी बात को तवज्जो दे, जिए खाए हैं तो कोई भी कर लेता है, आप कुछ कीजिए, एक पोस्ट पे पहुंचिए, समाज के लिए, देश के लिए, या किसी चीज के लिए एक अच्छा काम कीजिए, हम बात सुनेंगे। ऐसे सड़क चलते कोई सुनने लगेंगे यहाँ पे, और लगेगा आप बात करने लगते।